है नहीं कोई प्रबंध, कोई चंगे प्रबंध है नहीं गए, पानी की निकासी का कोई खास प्रबंध नहीं, छप्पड़ खोला कोई उधर पानी नहीं निकलता, घर में पानी घर में जमा खत्म हो गए। नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एक ओर जहां सावन माह की बारिश आम लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई, वहीं किसानों के लिए यह बारिश किसी आफत से कम नहीं आई, क्योंकि सावन की इस बारिश ने जिला फाजिलका के अबोहर क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों एकड़ नरमे की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद अब किसान मजबूरन नरमे की फसल को जोत कर महंगे रेट पर धान की पनीरी लेकर रोपाई करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं धान की पनीरी कम होने के कारण ज्यादातर किसानों को इस सीजन अपने खेतों को खाली रखने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में किसानों को बहुत भारी आर्थिक नुकसान होगा। पीड़ित किसानों ने सरकार से शीघ्र सर्वे करवाकर उनको मुआवजा मुहैया करवाने की मांग की है। सुख गया, पनीरियां मिल दिया नहीं, लेबर 5-5 हज़ार मंगी जाती है, की करूंगा, खुदकुशियां ही करनी है किसानों ने। कोई है नहीं कोई प्रबंध, कोई चंगे प्रबंध है नहीं गए, पानी की निकासी का कोई खास प्रबंध नहीं, छप्पड़ खोला कोई उधर पानी नहीं निकलता, दरमे पानी दरमे जमा खत्म हो गए। सरकार अगे ही अपील है कोई सानू माड़ा मोटा कोई खर्चा पानी दिता जाए, जे ना घर का गुजारा चल जाए। पिंड भरांगल के वासी हैं जी, पिछले दिन जो मीह आया वो करके जी साढ़े पिंड का 200-250 एकड़ के करीब रकबा जोड़ा वो पानी खड़ गया, वो करके जी हम पिछे देखो तुम वाहन वाला जोड़ा काम करना पै रहा। अगे ही जेड़े बी रे स्परे जे आ जी, तां करके किसानी तो पहले ही थले है जी, तो हूँ जोड़ा मौसम की मार पई है जी, ये करके सानू होर घाटा पै रहा जी। ये जोड़ा वाहन का बीजन का दोबारा खर्चा पेगा जी, ये भी तो फसल तो ही है, तो इस करके जी असी मंग करते भी सरकार जी गिरदौरी ये करवा के सानू मुआवजा जोड़ा दिता जाए, क्योंकि 40-40, 45-45 हज़ार रुपये ठेका होया पै, तो वो जड़िया ठेके लैके बीजिया सीगिया जी, उन्होंने वाहना दोबारा करना पै रहा जी, तो करके किसान जोड़ा जी वह थोड़ा भार हौला हो जूगा, तो मुआवजा सानू जो सरकार दवाएगा।